यस लेटर राइटिंग का कुछ याद है हर्षित? हम लोगों ने कौन कौन से लेटर किए थे लास्ट क्लास में? हम प्लेसिंग ऑर्डर, फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर का ही टाइप है प्लेसिंग एन ऑर्डर और लेटर टू एडिटर। चलो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। चलो अक्षत आ दिख रही है स्क्रीन मेरी? यस मैम। यस चलो अब हमने कौन कौन से किया था? एक तो किया था हमने लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, यस, एंड लेटर टू द एडिटर। गुड इवनिंग अक्षत बेटा, लेट हो गए आज आप। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैंने अभी अभी बस स्टार्ट ही किया, जस्ट स्क्रीन शेयर किया है। हमने लास्ट क्लास में फॉर्मल लेटर में लेटर टू एडिटर किया था और प्लेसिंग एन ऑर्डर किया था। चिरांश ये दोनों वो लेटर हैं जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी किए हैं और 11th स्टैंडर्ड में भी किए हैं, लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, लेटर टू एडिटर, राइट? तो हम उसी के बारे में अब आगे बात करेंगे। प्लेसिंग ऑर्डर और कैंसलिंग ऑर्डर के बारे में हम कर रहे थे कि हमें किस किस चीज की स्पेसिफिकेशन पे ध्यान रखना होता है। हर्षित अक्षत दोनों में से कोई भी मुझे बताओ, जब हम ये टेबल बनाते हैं प्लेसिंग एन ऑर्डर के लिए, देन व्हाट ऑल डू वी मेंशन? व्हाट मैम? व्हेन वी आर मेकिंग दिस टेबल फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, व्हाट ऑल डू वी मेंशन इन द टेबल? व्हिच ऑल कॉलम्स डू वी मेक? मैम क्वांटिटी, कंपनी। ठीक है, कंपनी, क्वांटिटी, आइटम नेम, यस, दैट्स ऑल मैम फॉर अ सिंपल प्लेसिंग ऑर्डर। यस, और इसके अलावा स्पेशल रिमार्क्स कुछ भी हो सकता है, कलर रिलेटेड, फैब्रिक रिलेटेड, या और कोई जो हमें चीज मेंशन करनी है। जैसे अगर हमें केटरिंग का ऑर्डर है, सपोज। मोहित, हैव यू एंटर्ड? यस मैम, गुड इवनिंग मैम। मोहित, यस। चिरांश, यू वांट टू से समथिंग? मैम प्लेसिंग ऑर्डर में हम सीरियल नंबर का भी तो एक बनाते थे। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। सीरियल नंबर सबसे पहले, नेम ऑफ द आइटम और प्रोडक्ट, देन हियर इट इज क्लास, अदरवाइज इट इज ब्रांड, देन नंबर और क्वांटिटी, एंड देन स्पेसिफिक रिमार्क्स। अच्छा, मैं चारों को एक क्वेश्चन दे रही हूँ, एक सिचुएशन दे रही हूँ, मुझे बताना जब उसका प्लेसिंग एंड ऑर्डर का हम टेबल बनाएंगे तो उसमें क्या क्या मेंशन करेंगे। ठीक है, रेज योर हैंड टू आंसर। यू पीपल आर, योर स्कूल इज, मोहित यू हैव रेज्ड हैंड, फर्स्टली स्पीक अप। मैम अभी आप क्वेश्चन दो। हाँ, क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ बेटा। ओके मैम, सॉरी। सो नाउ Your school is going to arrange a farewell party for the students of class 12. ठीक है, अब तुम लोग 12th में तो ज़्यादा अपने आपको relate नहीं करना, अभी पुरानी 12th गई नहीं है। तो you people means the as the secretary of the student council, you have been given the charge to arrange or to order for the to order the food for the farewell party, right? Now you need to write a letter to the catering company to arrange for the food and catering services on the day of farewell party. Okay, so now Harshit has raised hand. Yes, Harshit. I'm by mistake ho gaya tha. Ek baar soch raha hu. Tumne meri umeedon pe pani pher diya Harshit. This is not done. Mujhe laga ab to Harshit ne mere question complete hone se pehle hi haath khada kar liya. Chalo, okay. Who is willing to? Ab socho is bare mein hum kya kya likhenge yahan pe. Yes, Chiranj. मैम बॉक्स में सबसे पहले तो हम एक सीरियल नंबर डालेंगे, फिर नेम डालेंगे, वो क्वांटिटी डालेंगे, और मैम अगर कोई स्पेसिफिक ब्रांड है तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे फूड के लिए ब्रांड। अब यहाँ पे खाने की चीजों में तो कोई ब्रांड नहीं है यहाँ पे जो हमें कुछ कहना है जिसके बारे में। केटरिंग का ऑर्डर फिर तीन कॉलम्स ही बनेंगे, थ्री कॉलम्स। एक तो हो गया सीरियल नंबर, नेम ऑफ द फूड आइटम और डिश दैट यू वांट टू बी प्रिपेयर्ड, क्वांटिटी, और एक बनेगा। यस हर्षित, अब भी गलती से है मैम? नो मैम, आपको बता रहा हूँ। चलो चलो, हम उसमें रिमार्क टाइप डाल देंगे कि हमें स्वीट चाहिए, स्पाइसी चाहिए। यस, हमें स्पाइसी चाहिए,
with onion chahiye, without onion, garlic chahiye, kya chahiye, right? We will give our specification. That's why the column of specification or special remarks is very important, right? तो आपको जो extra add करना है वो आप उस specific remarks में add कर सकते हो, उसके बिना आपका table incomplete है, ठीक है? अच्छा, हमने शायद ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ लिया था कि जो ऑर्डर कैंसिलेशन का था, कि क्योंकि आपने जो कंडीशंस थी उसको आपने फुलफिल नहीं किया, तो आफ्टर रिपीटेड रिमाइंडर्स ऑन द फोन द बुक्स ये हैव येट नॉट बीन डिलीवर्ड, सो द ऑर्डर इज सीम्स टू बी कैंसल्ड, राइट? तो यहाँ पे हमने लास्ट में एनक्लोजर दिया था, फोटोकॉपी ऑफ द बुक लिस्ट, राइट? अब हम क्या कर रहे हैं, लेटर ऑफ कंप्लेंट. अब ये लेटर ऑफ कंप्लेंट दो तरीके से लिखते हैं, कौन कौन से दो तरीके, अगर याद हो तो 11th में भी किया आप लोगों ने लेटर ऑफ कंप्लेंट. कौन कौन से लिखते हैं हम कंप्लेंट, किस किस तरह की होती है जो हम करते हैं? मैम ऑफ प्रोडक्ट इफ इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, यस, एंड मैम इफ प्रोडक्ट व्हिच वाज डिलीवर्ड इज नॉट इन गुड कंडीशन और if they are one ma'am or any wrong item is delivered. No, means they are one and the same condition, whether a wrong item is delivered, the item is not working, whether we have purchased a product and the product means we are complaining about a product, one is that. What is the other state, other thing? I mean, electricity, cold water supply. Yes, the basic amenities. Another is related to basic amenities. Electricity is not coming properly, potholes are there, water logging is taking place, mosquito breeding is occurring, whatever is the case, that also comes in letters of complaint. Ab jo letter to editor humne sikha tha, letter to editor, letter of complaint kai baar synonymously aate hain. Ye letter of complaint kai baar aap editor ko bhi likhte ho, kai baar aap concerned person ko likhte ho, theek hai? To ab sabse pehle fir wo ye format ka part, whatever address is given, this is our address. Then date. Chiranjeev, you were not there in the last class. The date likhne ka sahi tarika kaun batayega? Harshit, Akshat, Mohit, tera chat box. Kaun bata raha? Who is telling? Quickly write it in the chat box. Maine bataya tha sahi tarika kya hota hai date likhne ka, that you people need to. Harshit, abhi bhi gadbad hai. हाँ, मोहित ने ठीक लिखा है. चिरांश, यू कैन चेक द चैट बॉक्स. मोहित हैज रिटन राइटली, यस. अक्षत हैज आल्सो रिटन राइटली. हर्षित, फोन का सेटिंग अपडेट दिया था मंथ पहले आता था, वो वाला कौन सा था फिर? क्या बच्चा मैम, जब आपने डेट लिखने के दो तरीके बताए थे ना, कि जिसमें पहले मंथ आता है फिर डेट आती है फिर ईयर आता है. ठीक है बच्चा, आपने बिल्कुल ठीक लिखा, पर आपने दो गलतियां की हर्षित. मे का एक तो एम कैपिटल आएगा और 22nd नहीं आएगा, 22. देखो, मोहित ने और अक्षत ने जो तरीका लिखा है, both of them are fine, to the point and appropriate. 7th May 2021 और May 5, 2021. These are the appropriate ways of writing date. आप कहीं भी ये नहीं लिख सकते 7.05.21. No, you can't write it that way. Okay, right? Excuse me, ma'am. यस बच्चा. मैम जैसे आज 7th है, तो हम सबने 7th मई 2021 लिख दिया, तो मैम मे और ईयर के बीच में कॉमा हम यूज कर सकते हैं उसके मार्क्स कट होते हैं? वहां पे हम कॉमा यूज करते हैं, वी यूज कॉमा, राइट? अब यहां पे मे 5 के बाद भी स्पेस दे दिया, स्पेसिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो आप जब रैंडमली लिख रहे होते हो बाय हैंड, इट डजंट अफेक्ट, राइट? But yes, May 5, 2021. Or when you are writing this way, the date is coming in the beginning, then TH. Make it an ordinal. Okay. Akshat ne bhi kuch likha hai shayad. Nahi. Okay. Now, let us move further. So, Chiranjeev, you were not there. Maine ek concept aur bataya tha. Wo concept aapko jab recording bhejungi, usse pata lag jayega. The manager, name of the company. Ab hum ye kaun se type ki baat kar rahe hain? When we are complaining about a product that we purchased, whether it is wrong product, whether the product is not, the electronic gadget is not working properly, whatever is the case, name of the company or agency and address. Then subject. Formal. Yes, Harshit. Nothing.
मैम फॉर्मल होते हैं ना? फॉर्मल एड्रेस ही, फॉर्मल लेटर ही है बेटा. ओके ठीक है. अच्छा, दीज आर ऑल फॉर्मल लेटर्स दैट यू आर डूइंग राइट नाउ. सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट हमें ध्यान रखना है. क्या ध्यान रखना है सब्जेक्ट के बारे में? कौन मुझे याद दिलाएगा सब्जेक्ट के बारे में? मिनिमम इट शुड बी शॉर्ट एंड इजी. यस, इट शुड बी शॉर्ट टू द पॉइंट एंड आपका चाहे रजिस्टर में लिख रहे हो चाहे शीट में लिख रहे हो, 4 to 6 वर्ड्स मैक्सिमम और वन लाइन, नॉट मोर देन दैट. एम आई राइट मोहित? Yes, ma'am. Yes. Jiranj, I hope it is clear. Now, yes, dear ma'am. Sir or ma'am, body of the letter. Now, in complaint letter, when we are writing about a product, we need to be very particular about the things that when we are mentioning. These are some points that we need to keep in mind. Purchased. When we purchased, where we purchased from, and what we purchased. Model, brand, or bill number. A bill number kya hai? Aap logon ne dekha hoga, whenever the bill is generated, they give a number on the top of that bill, right? Yes, ma'am. Yes, so that becomes an easy reference to identify what was bought by the customer, on which date, and what are the conditions associated with the product. Yes, Chiranshu raised hand. Ma'am, appropriate starting kya hogi in letter ki? Abhi, wo beta usi pe aa rahe hain abhi. We'll come to that. I'll show you a sample letter also, right? Generally, we write this is in reference to the product or the, suppose I purchase a speaker. Yes, Bluetooth speaker. This is in reference to the Bluetooth speaker purchased on so and so date from your LG showroom or Blair showroom existing at or situated at this and this via bill number. And then I'm going to mention the bill number, right? That the speakers are faulty or are not working properly. And Chiranch, अच्छा एक बात बताओ, मैंने लैंग्वेज के रिगार्डिंग एक चीज और बताई थी. हर्षित, अक्षत, मोहित, हमें क्या यूज नहीं करना लेटर राइटिंग में, फॉर्मल लेटर में? ing. वेरी गुड, मुझे खुशी है कि तुम लोगों को याद है दैट वी आर नॉट सपोज टू यूज आई और वी. और रीजन क्या है मोहित, व्हाट इज द रीजन व्हाई आर वी नॉट सपोज टू यूज आई और वी? मैम, बिकॉज़ वी आर नॉट राइटिंग द लेटर इंडिविजुअली. वी आर नॉट राइटिंग द लेटर for individual. No, not for individual. We are not writing informal letter to our personal means known person, right? So firstly, we are, if even in this case hamari individual problem hai bhai, speaker mera kharab hua hai, Chiranch ka thodi hua hai jo main sabke liye likhungi ki sabke speaker kharab hai. Yahan pe problem individual hai, lekin purpose kya hai, that I am not going to make it informal. The moment we use I or we, the language becomes informal. So we are not going to do that. Right? Okay. So purchase we have mentioned. Paragraph 2 is talking about the complaints. We have to lay emphasis on technical complaints. At least 3 points should be there. Then paragraph 3. Since the, now here it would be the name of the product is under warranty. So kindly replace it within days. Now here I'm going to mention the number of days, failing which I or we will be forced to move to the consumer court. Now, it is not necessary that I should be writing this language only. Failing which there will be a mandatory action to move to the consumer court. Ma'am, we can write that this condition is to move to the consumer court or this situation, this case. In case of no response from your side, consumer court will be approached. Right? Now, ab kaun padega? Akshat. Akshat will read. Question number 4, you are the member of youth club. Read, Akshat. I'm questionable. Yes, question also. You are the member of the Yacht Club. Recently, your club has purchased some furniture from Nawab Furniture Depot, Kanpur. But after a week, you have noticed some defects in the furniture. Write a letter to the manager of Nawab Furniture asking him to replace it. You are Akbar Amin. Yes,
Eagle Youth. Youth nahi hai. Eagle Youth. Youth Club, B69 Court Road, Kanpur. 1st August 20. That is the year. You can specify the year in your letter according to a question. Yes. Okay. The manager, Nawab Furniture Depot, 84 Railway Road, Kanpur. Subject, replacement of defective furniture. Sir, this is with reference to order number 93812 of a sofa set, wooden chair and table worth ₹49,000. This is to bring to your notice that an inspection of the furniture after receipt at club office certain defects have been noticed. The wood use is of low quality and scratches can be seen all over the surface of the table. Not only this, the fixtures are not properly made. We request you to replace the furniture within a week as the club general meeting is scheduled for the next week. We hope that such mistake will not occur in the future. Hoping for an early replacement. You are faithfully Amina, secretary. Now, see, Chiranshu, raise hand. हमने सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ में ऑर्डर नंबर 93812 लिखे और क्वेश्चन में हमें अगर बोर्ड के पेपर में नहीं मेंशन हो तो हम ऐसे इट इज ऑल इमेजिनरी इट इज इमेजिनरी चिरंज चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो जनरली इट इज नॉट मेंशनड इन द क्वेश्चन एनी टाइम नेवर इट इज मेंशनड इन द क्वेश्चन वी हैव टू राइट इट फ्रॉम आवर इमेजिनेशन दिस इज फिक्टिशियस नंबर दैट वी आर राइटिंग ओके मैम राइट जैसे यहां पे ये बिल नंबर फिक्टिशियस आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में हमने वो किया था कोटेशन नंबर याद है प्लेसिंग एन ऑर्डर कोटेशन नंबर वो किसी के फिक्टिशियस था बिकॉज द क्वेश्चन नेवर प्रोवाइड्स ऑल दोस थिंग्स मैम ये ऑर्डर नंबर किसी भी डिजिट का हो सकता है किसी भी डिजिट का इवन आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे अब आप यहाँ पे फर्नीचर की बात कर रहे हो FD/93812 रिसीट कैन बी एनी विच वे इट इज अप टू यू हाउ यू आर राइटिंग दैट ऑर्डर नंबर राइट Okay, हर एक कंपनी हर एक आउटलेट अपने हिसाब से ऑर्डर नंबर बिल बुक जनरेट करते सो इट कैन बी इमेजिनरी द वे यू वांट टू एक्सप्रेस कई लोग इसके साथ ही ईयर भी मेंशन करते हैं 93812/2021 कि कौन से ईयर में परचेज हुआ सो इट डिपेंड्स नाउ अब यहाँ पे सब कुछ ठीक है इन द सेकंड पैराग्राफ वी रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस अब मैंने यहाँ वी यूज किया इसको हम बिना वी यूज किए कैसे लिख सकते थे प्लीज टेल मी वी रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस द फर्नीचर विद इन अ वीक आई वॉन्ट टू राइट दिस सेंटेंस विदाउट यूजिंग वी और आई हाउ कैन आई राइट इट सर भी तो लिख सकते Akshat, come again. You are not audible. I am saying that we can also write sir here. नहीं सर सर लिखने से कुछ नहीं होगा बट हमारा सेंस तो वैसे ही रह गया ना मैम वी के बिना कैसे सेंटेंस लिखेंगे वी हटाना है कुछ और लगाना है वही तो मैं पूछ रही हूँ क्या लगाना मैम या तो सिर्फ वी लिख सकते हैं या आई लिख सकते हैं इसके अलावा क्या नहीं वी रिक्वेस्ट यू को चेंज करना पड़ेगा Think about it. I'm सोच रहे थे एक मिनट. Harshit, come again. I'm सोच रहे थे. हाँ सोचो सोचो तभी तो मैंने चांस दिया तुम लोगों को. यहाँ पे भी और नीचे भी. We hope that such mistakes will not occur in future. दोनों sentence V से start हो रहे हैं. मुझे V नहीं use करना. तो मैं क्या लिखूँगी? आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हिला सकते हो मैंने हिंट दे दिया बस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप छेड़ सकते हो लेकिन मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए सो दिस फर्नीचर शुड बी रिप्लेस्ड विद इन अ वीक एज द क्लब जनरल मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक वेरी गुड द फर्नीचर शुड बी रिप्लेस्ड Or one more way, any other way
Yes, Chiranj. हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि as the meeting is scheduled on the next week, it is a request that you should replace the furniture as soon as possible. Okay, it is a request to replace the furniture within a week. Okay. Any other way? Akshat, Mohit? Or next sentence? Yes, yes, any other way to change this? I don't want to use we here. We request you to replace the furniture. If I want to remove we, what, how should I frame my sentence? This is a humble request that you replace the furniture within a week. It is a humble request to replace the furniture within a week. All right. And last sentence, this one, we hope that such mistakes will not occur in new future. Ma'am, third paragraph ko aise start kar sakte ki hoping for an early response with the hope that such mistake will not occur in future. हाँ, we can write it that way. एक और तरीका बताऊं मैं? करो, try करो, किसी और को करना है, फिर मैं बताती हूँ. The easiest way of doing this is, जो पहला sentence था, we request you to replace the furniture within a week. You are requested to replace the furniture within a week. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने active को passive में change कर दिया. We हटा दिया. Similarly, it is expected or it is hoped that such mistakes will not occur in future. Right? Yes, ma'am. Hoping for an early replacement. Failing which, now here you can add. क्योंकि अब आप लोगों ने देखा होगा यहाँ word limit हमें कम लग रही है. So you can add. यहाँ पे भी in second paragraph there is scope for adding one or two problems more. Third paragraph, you can add failing which the club authorities would be forced to approach the consumer court, to knock the doors of consumer court. You can write that way also. Right? Yes, ma'am. Okay. So I think replacement thing is clear. Replacement of defective furniture. This was when you are complaining about the thing. And the other kind of letter, complaint letter that we talked about when you're talking about electricity issue, water problem, mosquito breeding, any such thing. The way you write a letter to editor in the same manner, the whole letter is written. The only difference is in the receiver's name, receiver's designation, there you write the editor. In this case, you will write the designation as given in the question. Right? Yes? I hope it is clear. Yes, ma'am. Chiranshu, raise hand. Ma'am, jitne bhi formal letters likhenge, hum sabne I aur V ka use nahi karenge. Beta, I am trying to make you practice that way. Because the moment you use I or V, it becomes informal. Okay. Maine us din ek example di tha, abhi main fir ek letter padke dikhaungi jisme I aur V ka use yahan pe language mein diya hua hai. और जब मैं आई और वी के बिना उस लेटर को बोलूंगी देन यू पीपल विल रियलाइज कि कितना कौन सा ज्यादा फॉर्मल लग रहा है. राइट, आई और वी यूज करते ही हमारा लेटर इनफॉर्मल हो जाता है, लैंग्वेज थोड़ी सी इनफॉर्मल हो जाती है. सो वी ट्राई, वी शुड लर्न, और हम अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक यू पीपल विल बी ट्रेन्ड टू डू इट दैट वे बाय द टाइम यू विल बी फेसिंग योर बोर्ड्स और योर एग्जाम्स. एटलीस्ट माइंड स्ट्रगल तो करेगा ना, आई और वी के बिना सेंटेंस मुझे बनाना है तो कैसे बनाना है, वो आ जाएगा फिर लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली. लेटर्स ऑफ रिक्वेस्ट. नाउ अब यहाँ पे, अब जब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है तो हम अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत आई और वी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अगर फॉर्मल रह के भी आई और वी के बिना अपनी लैंग्वेज को पोलाइट कर पाए देन इट इज मोर देन गुड, मोर देन रिक्वायर्ड. राइट, तो वी आर गेटिंग ट्रेन्ड दैट वी आर नॉट गोइंग टू यूज आई और वी इन एनी फॉर्मल लेटर. द बेनिफिट ऑफ दिस thinking would help us not only in letter writing but formal invitations, formal replies. That is also a topic that we need to talk about, so we'll be talking about it. But I want jahan pe bhi a formal word aa gaya na wahan pe aap logo ko dhyan rakhna ki mujhe I or we use nahi karna, as less as possible. Jahan bilkul hi kaam nahi chal raha sirf wahan use karna. Right, ab letters of request again, address given, date, सब कुछ फॉर्मेट वही है, सब्जेक्ट डियर सर, बॉडी ऑफ द लेटर, इंट्रोडक्शन वेर यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट फॉर व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाई इट इज नीडेड,
statement of showing gratitude. Yes, thankfulness. You have shifted your residence from 10 Lajpat Road to house number 232, Aurobindo Marg, Delhi. Write a letter to the general manager, MTNL, requesting him for an early transfer of your telephone line. You are Rohit or Radhika of 15, The Mall, Amritsar. Right? Okay, now, Harshit, read the answer. House number 232, Aurobindo Marg, Delhi, 25th February 20, the general manager. Harshit, what happened? MTNL? MTNL New Delhi, subject transfer of telephone line. Sir, through the medium of the letter, of this letter, I would like to request for an early transfer of my telephone line from my old address to my new address. I am a customer of the MTNL and my present phone number is 011-261-34252. I was residing in 10 Lajpat Road, Delhi, and have now shifted to house number 232 or the Aurobindo Marg, Delhi. So I would request you to transfer my telephone line immediate effect as MTNL is also my internet service provider, and without a telephone and internet connection, it will not be possible for me to pursue my official work. So I look forward to an early action from your department and will be extremely grateful for your help. Yours sincerely, Rohit. Thank you, Harshit. Yes, Chiranj. हम जैसे इस पूरे लेटर में आई का यूज हुआ और बिना आई की यूज से तो हम कुछ लिख ही नहीं पाएंगे फिर। वही मैं बता रही हूँ, आई के बिना तुम कैसे कर सकते हो। सबसे पहले इस बात को बताने से पहले कि आई के पहले हमें क्या करना है, आप लोगों को याद है जो हमने अभी जब लेटर राइटिंग करना स्टार्ट किया था तब हमने एक बात की थी कि जब भी आप एक फॉर्मल लेटर लिखते हो, मुझे पता है कि मेरी लैंग्वेज स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, तो एग्जामिनर का ध्यान या चेकर का ध्यान मेरी गलतियों पर कम जाए उसके लिए एक टेक्निक होती है, पता है क्या। अब देखो, फर्स्ट पैराग्राफ ये है। अब फर्स्ट पैराग्राफ में बताओ मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मुझे हाईलाइट करनी चाहिए। रिक्वेस्ट यू फॉर एन अर्ली ट्रांसफर ऑफ माय टेलीफोन लाइन फ्रॉम माय ओल्ड एड्रेस टू माय न्यू एड्रेस। यस, तो अब मैं क्या करूंगी, जब मैं ये लेटर लिखूंगी बाय माय हैंड तब मैं क्या करूंगी, इसको अंडरलाइन कर दूंगी। समझ आई बात। अंडरलाइन करने का बेनिफिट ये होता है, एक तो जो हमारा रीडर है जो लेटर को रीड करना है, नॉट ओनली नाउ, अभी जब आप लोग थोड़े से बड़े हो जाओगे, जब आप लोग बैंकिंग के काम खुद करोगे, जब ऑफिशियल काम मम्मी पापा तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे जाके खुद करके आओ, देन यू विल रियलाइज, देन इट इज वेरी एफिशिएंट इफ यू आर अंडरलाइनिंग द इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लेटर, ताकि किसी को पूरा लेटर पढ़ना भी ना पड़े, जो काम की चीज है वो ऑलरेडी हाईलाइटेड है ताकि ध्यान उसी पे आए। अब देखो सेकेंड पैराग्राफ में क्या क्या अंडरलाइन करूं, एक एक करके हैंड रेज करना या फिर पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोलेंगे। अक्षत, चिरांश, हर्षित, देन मोहित। अक्षत यस मैम। यस बच्चा, सेकंड पैराग्राफ व्हाट शुड आई अंडरलाइन अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। नहीं, अक्षत इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई आई थिंक। चिरांश, I'm in the whole paragraph. Yes, in the whole paragraph. Any one thing that you feel is important? Ma'am, phone number. Okay, phone number. So my present phone number is this. Yes, Akshat, you raised hand. Ma'am, second hand, I was residing in 10 Lajpat Road. Akshat, be a bit louder. Aapki awaaz bahut slow aa rahi hai mujhe. Ma'am, residence address. Yes. Now shifted to, अब मैं यहां से अंडरलाइन करूंगी, पुराना एड्रेस नहीं करना मुझे अंडरलाइन, मुझे नया एड्रेस अंडरलाइन करना है क्योंकि मुझे ये हाईलाइट करना है। हर्षित, यस हर्षित। Without a telephone and internet connection, it will not be possible for me to pursue my official work. Yes. चलो मोहित, यहाँ पे अब और कुछ नहीं है तो मोहित का चांस अब नेक्स्ट लेटर में लेंगे। अब आपने देखा, द थिंग्स दैट आई हैव अंडरलाइन
इवन इफ माई मिस्टेक्स मस्ट बी देयर, अगर मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ लैंग्वेज में, मुझे पता है मेरा लेटर राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर मैंने अगर ये चीजें अंडरलाइन कर दी तो ना सिर्फ मेरे रीडर को बल्कि जो चेक कर रहे हैं मेरा लेटर, जो भी मैम चेक कर रही है, सर चेक कर रहे हैं, दे वुड बी एबल टू रियलाइज कि बच्चे को ये पता है ऑलरेडी व्हाट इज इम्पोर्टेंट, एंड द चाइल्ड नोज दीज पॉइंट्स दैट हाउ वी नीड टू एक्सप्रेस देम टू आवर रीडर. तो एक एडिड एडवांटेज हो जाता है, राइट? अब देखो, अब मैं इसी लेटर को बिना आई को यूज किए आपको बताती हूँ, एंड यू मस्ट नोटिस कि बिना आई के भी हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? Through the medium of this letter, you are hereby requested for an early transfer of a telephone line from the user's old address to new address. This means अब यहाँ पे मेरा काम नहीं चलेगा आई के बिना, तो मुझे आए. Yes, Chiranch. हम माई हम यूज कर सकते हैं. माई भी तो उसी का आई का ही पार्ट हो गया ना. अब मैंने ऊपर से आई नहीं यूज किया तो मैं माई नहीं ला सकती सडनली बीच में. Somehow. Yes, Harshit. Somehow I is the part of mine. अगर मैं आई बोल रही हूँ, आई एम डूइंग दिस वर्क, माई वर्क इज कम्प्लीटेड, आई वैसे पोजेसिव है, आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है, माई पोजेसिव का काम कर रहा है, राइट? Okay. In that sense, they are correlated. So if I am not using I, then I can't use my suddenly. So being a customer of MTNL, the present phone number that is being used is 011-2613-4252. The old residence or the old residential address is 10 Lajpat Road, Delhi. And it has been now shifted to, or the residence has now been changed to house number 232, Aurobindo Mark, Delhi. You are requested to transfer the telephone line with immediate effect, as MTNL is also the internet service provider. And without a telephone and internet connection, it will be very difficult to pursue the official work in the being online or being when the person is working from home. Looking forward to an early action from your department and in advance expressing gratitude for the same. Yes, Chiranch. Ma'am, agar ye same letter board mein aa gaya to hum ek do jagah to I use kar sakte hain. Maine kya kaha? Kar sakte ho, lekin jab hum log training period mein, jab hum log seekh rahe hain, agar aap tabhi se koshish karoge ki mujhe I nahi use karna, तो वो देखना वो इनबिल्ट इनग्रेन हो जाएगा कि आए नहीं यूज करना, ऑटोमेटिकली दिमाग उसके अकॉर्डिंग काम करेगा. वैसे आप कर लोगे तो ये कोई वो नहीं कि पेनल्टी है, लेकिन लैंग्वेज इनफॉर्मल हो जाती है, ठीक है? यहाँ पे मैंने आए यूज किया, इसलिए मैंने आपको दोनों तरह के, जब मैं आपको ये पीडीएफ भेजूंगी, दोनों तरह के लेटर है उसमें, जिसमें आए यूज हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप आए और वी का यूज कम से कम करो, ठीक है? मैम, हम जो ये सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट वर्ड ही है कि आई एम अ कस्टमर, मैम हम इस आई को कैसे रिमूव करें, ये समझ नहीं आ रहा. बीइंग अ कस्टमर ऑफ द एमटीएनएल और बीइंग अ परसिस्टेंट कस्टमर ऑफ एमटीएनएल, द प्रेजेंट फोन नंबर बीइंग यूज्ड इज 011-2613-4252. ओके मैम. द प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस इज दिस, but it is now shifted or it has now been changed to this, right? Yes, ma'am. So it depends on us how we are. The moment we put some restraint on our mind that we are not going to use this way, then the mind automatically comes out with alternate ways. So we have to train our mind that way ki hame wo way use nahi karna, right? Now, letters of inquiry. अब ये letter of inquiry जब मैं अपने लिए भेज रही हूँ, suppose अब letter of inquiry हम दो तरह से लिखते हैं. Letter of inquiry एक हुआ कि हर्षित को या मुझे कोई कोर्स ज्वाइन करना है अपने लिए, अपने academic qualification को increase करने के लिए, professional qualification को increase करने के लिए, एक वो हो गया letter of inquiry. एक letter of inquiry होते जब मैं institution की तरफ से या organization की तरफ से लिख रही हूँ. जैसे मेरे school ने plan किया कि हम आउट स्टेशन ट्रिप पे जाएंगे. अब उस आउट स्टेशन ट्रिप का ड्यूरेशन मुझे पता है, लेकिन मुझे ये कंफर्म करने को कहा गया है कि होटल के चार्जेस क्या होंगे, क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, तो मुझे स्कूल की साइड से पूछना है, क्योंकि एक बड़ा ग्रुप जाएगा, मैं अपने लिए नहीं पूछ रही. तो
तो जहां मैं इस तरह से बात कर रही हूँ कि मैं अपने लिए नहीं पूछ रही, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लेटर लिख रही हूँ, वहां पे मैं आई और वी यूज नहीं करूंगी। लेकिन जब मैं एक लेटर ऑफ इंक्वायरी अपने पर्सनल काम के लिए कर रही हूँ, जहां मुझे अकेडमिक क्वालिफिकेशन अपनी एनहेंस करनी है, वहां पर मैं आई यूज कर सकती हूँ। इज इट क्लियर? यस यस। अब देखो, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, एड्रेस गिवन, डेट, द प्रिंसिपल, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ये जनरली हम उस केस में बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल की जगह अगर मैं होटल की बात करूं या और किसी विजिट की बात करूं तो वहां पे आ जाएगा द मैनेजर। सब्जेक्ट इंक्वायरी रिगार्डिंग, डियर सर और मैडम, देन बॉडी ऑफ द लेटर। अब देखो, आफ्टर रीडिंग योर एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग, अब कोई जरूरी नहीं है हर बार एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, दिस इज इन रेफरेंस टू द ब्रोशर, दिस इज इन रेफरेंस टू द टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, एनीथिंग कैन बी देयर, आप किसी भी तरह से स्टार्ट कर सकते हो। आई विश टू मेक सर्टेन इंक्वायरीज, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, फी स्ट्रक्चर। अब ये, अब इस चीज में मुझे कौन बताएगा हम कैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं? प्लेसिंग एन ऑर्डर का याद है जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, कि प्लेसिंग एन ऑर्डर के केस में हम क्या करते हैं, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, जिन चीजों के लिए हम पर्टिकुलर होते हैं, हम वो सारी चीजें अपने टेबल में लिख देते हैं, चाहे वो नाम आ गया, क्वांटिटी आ गई, फैब्रिक आ गया, कलर आ गया, जो भी कुछ है, हम वो सारी चीजों के अकॉर्डिंग अपना टेबल बनाते हैं। अब यहाँ पे भी सेम वही है कि जब मैं अपना पर्सनली लिख रही हूँ, सपोज मुझे एक म्यूजियम विजिट के लिए जाना है, तो मैं क्या क्या चीजें लिखूंगी? सपोज अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे तो एक कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, सपोज मुझे एक म्यूजियम जाना है, म्यूजियम विजिट करना है, उस म्यूजियम विजिट करने से पहले मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए जिसके बारे में मुझे पूछना चाहिए अपने लेटर के थ्रू? थिंक अबाउट इट। मैम, एंट्री फीस, डिस्टेंस फ्रॉम योर होम। यस, एंट्री फीस, डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से? ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन और द ईजिएस्ट वे टू कम्यूट, और टाइमिंग्स। यस अक्षर, टाइमिंग्स। आई डिडंट गेट इट, अच्छा स्पीक अगेन। ओके चिरांश, यू से। मैम, बोर्डिंग टाइम, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड फूड फैसिलिटी। यस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ऑल राइट। देन अर्षद, आप बोलो। ओ सॉरी, कौन बोल रहा था अभी? अक्षत बोल रहा था। अक्षत, मैम अक्षत बोल रहा था। यस अक्षत, मोहित, मोहित बिल्कुल साइलेंट है आज। यस मैम। यस मोहित, व्हाट शुड आई ऐड मोर इन माय लेटर ऑफ इंक्वायरी इफ आई वांट टू विजिट अ म्यूजियम? मैम, अबाउट द चार्जेस, चार्जेस, एंट्री फीस वी हैव ऑलरेडी आस्क्ड, ट्रांसपोर्टेशन, मैम अबाउट, मैम अबाउट द मैम द थिंग्स केप्ट इन द म्यूजियम एंड अबाउट द गाइड हु टेल अस अबाउट द थिंग्स देयर। यस, ओके, टाइमिंग, वेरी गुड, अक्षत हैज रिटन इन द चैट बॉक्स टाइमिंग्स। मैम, इफ दे आर अलाउड मोबाइल फोन और नॉट। अक्षत, योर वॉइस इज वेरी फीबल, आई एम नॉट एबल टू हियर इफ वी आर अलाउड टू, उसके बाद कुछ नहीं समझ आया। यस, एनीथिंग एल्स दैट वी कैन ऐड? How many members are allowed? Okay, how many members are allowed in one go? Okay. Ma'am, ticket fees. Okay, वो तो entry fees already हमने पूछ ली। और इसके अलावा हम क्या पूछ सकते हैं? Any special documentaries? Museum में generally documentaries भी चलती हैं। Any special attraction for this period of time? जब आप विजिट करने का प्लान कर रहे हो, राइट? एनी स्पेशल अट्रैक्शन? सो ऑल एनी फैसिलिटी व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, हां, एनी अदर फैसिलिटी, कैफेटेरिया इज देयर और नॉट? यस, इज म्यूजियम शॉप आल्सो अवेलेबल? व्हाट आर द टाइमिंग्स फॉर म्यूजियम शॉप वेयर यू कैन बाय द आर्टिफैक्ट्स? सो जब, अब आप लोगों ने जो भी पॉइंट्स बोले, वो पॉइंट्स कहाँ से है? जब आप लोग विजिट करते हो कहीं, तो हम लोग इन सब चीजों के बारे में पूछते हैं, राइट? सो इन द सेम मैनर, व्हेन यू आर मेकिंग अ लेटर ऑफ इंक्वायरी,
you need to make all your pointers with that same perspective. Right? Whether it is a course, whether it is a visit, whether it is an outstation trip, anything. When you are booking something, वो समझ लो अगर वो booking आप अपने लिए करते हैं, अपनी family के लिए करते हैं, तो आप किस किस चीज का ध्यान रखते हैं, वो सारी चीजें आपके pointers बन जाएंगे. Right? So I will be grateful if you could send me the latest brochure along with the enrollment for enabling me to register in the course at the earliest. अब ये तब के लिए जब मुझे किसी नए कोर्स में अपने आप को रजिस्टर करना. राइट right? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लास्ट पैराग्राफ की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी. राइट इफ द लेटेस्ट ब्रोशर और इफ द लेटेस्ट प्रोफॉर्मा इज सेंट टू अस और इज सेंट एट द अर्लीएस्ट देन द ट्रिप कैन बी फैसिलिटेटेड. राइट अब देखो यहाँ पे यू आर साहिल टुटेजा द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल राइट अ लेटर टू ग्लोब एंटरप्राइजेस न्यू दिल्ली a leading firm dealing in sports goods, requesting them to supply their trade catalog. Trade catalog means business catalog, the things in which they trade, they put their things for sale. You may mention the items you intend to buy and ask for a discount on the catalog prices. आपने देखा होगा जब भी मम्मी शॉपिंग करने जाती हैं, मम्मी सबसे पहले साड़ीज की या सूट्स की जब भी शॉपिंग, मुझे पता तुम लोगों का एरिया नहीं है, जनरली हम लोगों में से बहुत कम जाते हैं मम्मी के साथ शॉपिंग करने, क्योंकि मम्मी बहुत टाइम लगाती है शॉपिंग करने में. तो जब भी मम्मी जब शॉपिंग करने जाती है, पापा से पूछना, मम्मी सबसे पहले कहती है ये वाले डिजाइन तो बड़े कॉमन हो गए, सर कैटलॉग वाले डिजाइन दिखाओ. तो वो कैटलॉग एक्चुअली क्या होती है, एक बुकलेट होती है जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन होती है कि कौन सा प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्ट का कोड नंबर क्या, राइट, विद पिक्चर्स एंड ऑल. सो दैट इज कैटलॉग. So, ABM School, Mathura, ये सारी चीजें वही है. Messrs Globe Enterprises, तब ये Messrs क्या चीज है? Who will tell me? What is this Messrs? Ma'am, shop. Yes, ma'am, shop. Yes. Every shop is registered with some name. So, this is Messrs is a part that is a shop working as a means proper in the market. F4 Greater Kailash to New Delhi. Trade catalog for sports goods. Now, I have to place an order for sports goods. Now, I am asking or I am inquiring about the catalog for placing my order. So, order place karne se pehle wala step hai. Theek hai? Ab yahan pe dear sirs nahi aayega. Yahan pe dear sir aayega. Ab dekho. Yahan pe phir wohi hai. V aa gaya. Jis word se hum sabse zyada pushna chahte hain, yahan pe bhi wohi word hai. Ab padho pehle. Chiranj, read beta. I hope there is no problem in reading, Chiranj. You are fit and fine now? No, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Dear sir, we have to buy sports material in bulk for various games and sports for our school for the new academic session beginning from 1st April. From name? We are interested in... From. WEF stands for with effect from. Yes, ma'am. With effect from 1st April. We are interested in cricket bats and balls, hockey sticks, balls, goalkeepers, full kit, footballs, volleyball, basketball, tennis tables and bats. You also need items for uniform, namely sports t-shirts, sports and vest for different sizes. Your firm has been mentioned to us as one of the best dealers in sports goods. I shall be glad if you send me your catalog together with quotation for large quantities. Please do mention the time required to effect delivery and the terms of payment. I hope you will facilitate business by quoting the lowest possible rates, and I am confident that you will be patronize us by giving some discount also. Please mention the rate of discount on the catalog prices. Yours faithfully. साहिल टुटेजा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी. अब देखो अब यहाँ पे जो हमने क्या किया, अब अपने लेटर को हमने पॉइंटर्स में नहीं लिखा, अब हमने इस लेटर को किस में लिखा है, पैराग्राफ में. राइट किस किस चीज का नीड है और उसके अलावा कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए. ऑल दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड. फाइन अब देखो अब इसका मैं बताऊं कैसे करना है. आए को करो बिना बिना वी के करो जरा स्टार्ट. कौन करेगा? You have to buy sports material in bulk for various games. वी के बिना करना है. For वी के बिना वी और आई नहीं करना. You have to.
यू हैव टू बाय स्पोर्ट्स मटेरियल. वी के बिना करना है हमने, वी और आई के बिना. करो जरा ट्राई, कौन करेगा चारों में से. द कोटेशंस दैट वर मार्क्ड, यू आर एट द लोएस्ट एंड वी वांट अगेन. वी वी आ गया और मोहित आउट. मोहित आउट क्लास से. आउट नहीं होना, आउट मतलब मोहित का चांस आउट. यस हर्षित चिरान शक्षत करो ट्राई, फिर मैं करूंगी लास्ट में ट्राई. कोई भी नहीं करेगा ट्राई, इतना तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है सेंटेंस. चलो करो करो, ठीक है. मुझे लगता है मैं ही ज्यादा जल्दी. यस चिरांच. मैम ऐसे कर सकते हैं कि यू आर हियर बाय रिक्वेस्टेड टू शो अस सम मटेरियल इन बल्क फॉर वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स फॉर आवर स्कूल. वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप. चलते जाओ आगे. चलो सो फर्स्ट पैराग्राफ हर जगह वी और आई की जगह यू. यू आर हियर बाय, यू आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट. अब ये स्कूल का नाम हम पहले लिख देंगे. एबीएन स्कूल wants to buy or the organization wants to buy sports material in bulk for various games and sports for the school for the upcoming session beginning with effect from 1st April. First paragraph done. Yes. करो सेकंड पैराग्राफ ट्राई. मैम फर्स्ट वी मेक द टेबल अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड देन मैम वी विल राइट दैट वी शुड एक्सेप्ट दैट सम डिस्काउंट इज एक्सेप्टेड एंड 5% डिस्काउंट व्हिच इज गिवन टू द एजुकेशनल बायर्स. मोहित बेटा आई थिंक यू आर अ बिट कंफ्यूज. दिस इज नॉट अ लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, दिस इज अ लेटर ऑफ इंक्वायरी. Inquiry letter, we don't make those tables. Excuse me, yes, Chiranj. Ma'am, inquiry wale letter mein pointers ki form mein likh sakte ho. Haan, pointers ki form mein aap likh sakte ho. Ab yahan pe inhone added cheez diya that we are interested in these and this. It, otherwise, it can be simply said that the school is interested in buying the sports essentials, a list of which will be provided when the order is confirmed or when the order is placed. All right. Your firm has been mentioned, or your firm has been reputed as has been one of the reputed firms to be the best dealers in sport goods. Right. It will be more than required or more than effective. Akshat class se chale gaye the. Akshat aap chale gaye the class se. अक्षत, अक्षत आर यू देयर? यस मैम. यस नाउ आर यू देयर मींस अब तो ठीक हो. अब मुझे लगता है बीच में आप क्लास लीव कर गए थे आई थिंक. ओके सो आई वाज ऑन दिस लाइन. आई शैल बी ग्लैड इफ यू सेंड मी योर कैटलॉग टुगेदर विद कोटेशन फॉर इट वुड बी मोर देन रिक्वायर्ड और मोर देन इनफ इफ Yeah, a catalog is sent by you along with quotations for larger quantities. अभी quotation क्या है याद है तुम लोगों को? मैंने tender का concept बताया था last class में. Yes, Chiranj, you were not there, तो एक बार अब ध्यान से सुनना. जब भी हम जैसे अब यहाँ पे चाहिए school को इतना सारा bulk में order place करना है तो generally school क्या करता है, यहाँ पे तो उन्होंने letter of inquiry लिखा है जो हम letter of inquiry की बात कर रहे हैं. Generally जब एक government school में या किसी भी एक बड़ी organization में जब बहुत कुछ चाहिए होता है और हमें एक प्रॉपर चैनल के थ्रू चीजें सिलेक्ट करनी होती है तो क्या होता है, जनरली न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी जाती है बाय द हेडिंग टेंडर नोटिस. इन दैट टेंडर नोटिस ऑल द आइटम्स आर स्पेसिफाइड दैट द स्कूल रिक्वायर्स दिस एंड द स्कूल रिक्वायर्स दीज ऑल थिंग्स फॉर द एकेडमिक सेशन सो एंड सो. ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड मे प्रोवाइड देयर कोटेशन. अब कोटेशन में क्या होता है, जो भी चीज मतलब मैं अगर उस प्रोडक्ट में डील करती हूँ तो उस प्रोडक्ट का प्राइस, उस प्रोडक्ट को बनाने की कंडीशन और क्या क्या फैसिलिटीज मेरी तरफ से प्रोवाइडेड की जाएंगी, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, चाहे डिस्काउंट हो गया, कुछ भी,
वो सारी उस कोटेशन में एक्चुअली वो टर्म्स एंड कंडीशन अलोंग विद प्राइस मेंशन की जाती है. उस ब्रोशर को हम कहते हैं कोटेशन. राइट चिरांश, क्लियर हुआ कोटेशन क्या होती है? यस. सो ही इट वुड बी मोर देन इनफ इफ अ कैटलॉग अलोंग विद कोटेशन फॉर लार्जर क्वांटिटीज इज सेंट टू द इज सेंट एज अर्ली एज पॉसिबल. यू आर रिक्वेस्टेड टू मेंशन द नेम, द टाइम रिक्वायर्ड to effect the delivery and the terms of payment. It is hoped that you will facilitate business by quoting the lowest possible rates. The authorities are confident that you will patronize the organization by giving some discount as well. Kindly mention the rate of discount on the catalog. Prices. Please दो बार आ गया था तो मैंने please को use करने से refrain किया. आया समझ? तो हम same letter को I और B के साथ भी कर सकते हैं और बिना उसके भी कर सकते हैं. ठीक है? Clear हुआ? Yes. Yes. तो जल्दी से एक letter और पढ़ते हैं. ये same category का है. You are jolly of class 12th. You are interested in pursuing a course in visual. Communication, you have seen an advertisement issued by the National Institute of Communication, Pune, offering courses in media and communication. Write a letter to the director seeking information about their courses, fee structure, placement opportunities, etc. Now, this is the second category of the letter, that what all they want. So, main ab kisi course ke liye apply kar rahi hu. Ab yahan pe main I ka use kar sakti hu. कोशिश करूंगी कि ना करना पड़े, लेकिन जहां जरूरत होगी वहां पे हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट है. ठीक है? तो अब किसने नहीं पढ़ा अब तक? मोहित, हैव यू रेड? मोहित? यस मैम. हैव यू रेड बेटा? नो मैम. नो, देन रीड दिस लेटर. ओके. Can you please scroll down because I am not able to see the question. Now? Yes, ma'am. D4020 ABC Lane, XYZ City, 14th April 2021. The Director, National Institute of Communication, Pune, Section, seeking information about the course in visual communication. Sir, this is in response to your advertisement in the Daily Added, 12th April 2021, regarding the courses offered by your institute in media and communication. I have just appeared for my class 12th examination and I am interested in pursuing a course in visual communication. As very little information is available about this course, I would be extremely grateful if you could send me the detailed information about it so as to enable me to move on to the next step and try to seek admission in your reputed institute. Please forward the following details at the earliest. Proceed. Procedure for administration, duration of the course, eligibility criteria, course fee, placement opportunities available after course completion. Yes, ma'am. Any other relevant information related to this course? I am extremely keen to join the above mentioned course and would be obliged if you mail me a prospectus for the same if self address, stamped envelope enclosed, awaiting your early response. Your sincerely, Jolly. Okay, thank you, Mohit. So, did you see now this letter, the second paragraph, we have not made specially. The second paragraph is all written in pointers. Yes? This is in response to your advertisement in the Daily, dated 12th April 2020 XX, regarding courses offered by your institute in media and communication. Yes? Now, because this is my personal thing, that's why I is coming frequently in each sentence and we can't omit it or avoid it. In some cases, it is really unavoidable. Ek to ye wala hai. And secondly, jo bhi hum next kind of letter padhenge, job application ke liye, wahan pe bhi I bahut frequently aayega. Kyun? क्योंकि मैं जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ तो मैं जनरली उसको पैसिव वॉइस में नहीं लिख सकती. ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? तो जो चीजें मुझे अपने बारे में जानने का नीड है वो सारी चीजें
मैं इस क्वेश्चन के पॉइंटर्स में लिख दूंगी. आई होप इट इज क्लियर. यस. अब लास्ट कैटेगरी ऑफ लेटर्स रह गई है, एप्लीकेशन फॉर जॉब और लेटर्स फॉर जॉब. यस मैम, ये कल नेक्स्ट क्लास करा लेना मेरी, अब दूसरी क्लास का टाइम. हाँ हाँ हर्षित, मैं नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगी. आई वाज सेइंग द सेम थिंग, तुम लोगों को मैं पीडीएफ भेजना इसकी भूल गई थी लास्ट क्लास में, तो आज मैं इसकी पीडीएफ भी तुम्हें भेज दूंगी ब्रॉडकास्ट के थ्रू, गो थ्रू इट. और ये जो जॉब वाला लेटर है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. जनरली 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में जब आपको ऑप्शन में आता है लेटर राइटिंग का क्वेश्चन, हमेशा ऑप्शन में आता है. एक क्वेश्चन ऊपर कोई और होगा लेटर का ही और दूसरा कोई और होगा, राइट? तो उसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है जॉब एप्लीकेशन का, बिकॉज यू पीपल विल बी स्टेपिंग आउट इन टू द कॉलेजेस इन फॉर योर हायर एजुकेशन, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ लेटर फॉर योर करियर, राइट? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर दैट यू नीड टू लर्न अबाउट, राइट? तो इसके बारे में अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अब हर्षित को भी क्लास के लिए जाना है, वैसे भी क्लास का टाइम हो गया, सो आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयरिंग. ओके मैम, बाय. ओके बच्चा, थैंक यू सो मच, बाय ऑल ऑफ यू. कोई भी डाउट, बाय मैम, बाय मोहित. वेयर एवर यू आर स्टक, वट एवर डाउट यू हैव, फील फ्री टू आस्क इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? ओके मैम. ओके.